ये थोड़ा क्रेडिट उनको जाता है। आसिम साहब फरीदी एक बार अपनी निश्चित से खड़े हो जाए, आप सब लोग इन्हें देखना चाहते हैं जो इसके प्रोड्यूसर है। किसी की तारीफ से मोहताज नहीं है, काफी नाम कमाया है इन्होंने डोडा में। तो ये जो जेआर फिल्म जो इवेंट है और एविडेंट ये स्टूडियो जो है ये इनका इनके प्रोड्यूसर है। इनका एक एनजीओ है जो जॉनी रियाज साहब है, चिराग रेस्क्यूअर, उसका नाम भी हम यहाँ लेना जरूर चाहेंगे क्योंकि वो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह जो गाड़ियां चिराग में गिरती है, डेड बॉडियां जो है अपनी जान पर खेल कर इनकी टीम वहां जाती है। इनके साथ शेख मुश्ताक साहब है, वो ये दोनों उस एनजीओ को लीड करते हैं चिनाब रेस्क्यूअर, जिस इन्हें सम्मानित किया गया, वहां इन्हें एजाज से नवाजा गया पूरे यूनिट को। तो ये वो हीरे हैं, अनमोल हीरे जो वहां से आए हैं और यहाँ हमारे बीच हैं। एक बार फिर से इनके लिए दिल की उम्मीद गहराइयों से तालियां बजाइए। तो फिलहाल प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए, मुतहद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुतहद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशर हो तो मरो और शोर मचाते क्यों हो। इसका मतलब यह है कि अगर एक साथ हो, इकट्ठे हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, अगर बिखर जाओगे तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें एकता, एकजुट, एक होके अपने बरादरी को मजबूत करना, अपने भाईचारे को मजबूत करना है और एक अच्छा अमन का पैगाम लेके चलना है। तो इसी हवाले से ये शेर था। अब जो अगला पार्टिसिपेंट है वो जीपीएस लुडना से नासिर लतीफ, जो पांचवी क्लास का तालिब इल्म, जोरदार तालियां नासिर लतीफ जीपीएस लुडना। जितने भी यहाँ गेस्ट हैं और बाकी मेहमान हैं वो अगर यहाँ सामने बैठे तो ज्यादा लुत्फअंदोज हो सकते हैं। यहाँ अगर वो सामने बैठे, आराम से बैठे वहां बच्चों के साथ, क्योंकि ये आप ही के बच्चे हैं। तो मैं टाइमर से गुजारिश करते हैं कि वो टाइम जो है वो नोट करें। ये है नासिर लतीफ जीपीएस लुडना, एक बार फिर से जोरदार तालियां। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने उस्ताद के मुकाम पर कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। इंसान की पहले दरगाह माँ की गोद होती है और फिर माँ अपने जिगर का टुकड़ा उस्ताद के हवाले कर देती है। उस्ताद उसे पूरी दुनिया को एक दर्जा बनाने की ताकत रखता है। बाप बच्चे को कदम कदम पर चलना सिखाता है। उस्ताद उसे दुनिया में आगे बढ़ाना सिखाता है। उस्ताद का किरदार माशरी में बहुत अहम है। उस्ताद का पेशा वो पेशा है जिसे हर मजहब में नुमाया मुकाम हासिल है। उस्ताद का पेशा वो पेशा है जिसे हर मजहब में नुमाया मुकाम हासिल है। तारीख गवाह है कि जिस काम ने भी उस्ताद की कदर की वो दुनिया भर में कामयाब है। अमेरिका, बरतानिया, जापान, फ्रांस, इटली समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जो इज्जत और मर्तबा उस्ताद को हासिल है वो इनके सदर को भी नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं उस्ताद नूर का मीनार है जो अंधेरे में हमें नूर दिखाता है। एक सीढ़ी है जो हमें बुलंदी तक पहुँचाती है और एक अनमोल तोहफा जिसके बगैर इंसान अधूरा है। उस्ताद दरअसल कौम के मुहाफिज है, क्योंकि आने वालों नस्लों को सुवारना, उनको मुल्की खिदमत के काबिल बनाना इन्हीं के सुपुर्द है। इस वक्त हमारे मुल्क में उस्तादा अपने हुकूक को पूरा करने के लिए एजाज उठा रहे हैं।
मुतालिबात तकसीम न होने पर इनके मुतालिबात तकसीम न होने पर तालीमी बाइकाट होते हैं और सड़कों पर भूख हड़ताल के कैंप लगते हैं जज को रोकने के लिए इन्हीं के शागिर्द इन्हीं पर लाठियां बरसाते हैं। क्या यह उस्ताद का मुकाम है? जज का इंतजार किए बगैर उसातिजा के हुकूम को पूरा करने के लिए कानून साजी करे ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह हम सबको अदब और एहतराम की तौफीक फरमाए। आमीन। शुक्रिया। तो ये थे नासिर लतीफ। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। जीवीएस मुन्ना से काफी दूर से ये बच्चा आया है और बहुत ही अच्छा इन्होंने बयान किया है। यहाँ आके ये बड़ी बात है कि यहाँ जो आके यहाँ खड़ा होना बड़ी बात है। आप इस बच्चे की जितनी तारीफ हम करें उतनी कम है। ये अध्यापक आदरणीय मुखिया आतिथ और अन्य आतिथगण, अध्यापक जी, अन्य शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित छात्र और छात्राएं, आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने गुरु का आदर विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ और मुझे आशा है कि आप सब मेरे विचारों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अक्षर अक्षर सिखाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं, वही तो सच्चे गुरु कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरु ज्ञान के प्रसार के साथ साथ समाज के विकास का बेड़ा उठाते रहे हैं। गुरु शब्दों अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार अज्ञान एवं रू का अर्थ होता है प्रकाश ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। इस संसार में हमें प्रथम बार बोलना चलना तथा शुरुआती आवश्यकताओं को सिखाते हैं। अतः माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। भावी जीवन का निर्माण गुरु द्वारा ही होता है। वास्तव में गुरु का वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु की महिमा तो भगवान से भी अधिक है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा है। गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। गुरु के मन में सदैव ही ये विचार होता है कि उसका शिष्य स्वर्गश्रेष्ठ हो और उसके गुणों की स्वर्ग समाज में पूजा हो। जीवन में गुरु की महत्व का वर्णन कबीर दास जी ने अपने दोहों में पूरी आत्मीयता से किया है। गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। आज के आधुनिक युग में भी जरा भी कमी नहीं आई है। एक बेहतर भविष्य का निर्माण हेतु आज भी गुरु का आवश्यक योगदान मनाया जाता है। गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण दर्शित करता हेतु गुरु का पूर्व मनाया जाता है। गुरु का सम्मान किया जाता है। जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वालों को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो बस जन्म दिया है पर उन्होंने जीना सिखाया है। वे आपको प्रेरित करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, आप कुछ ना जानते हुए बहुत कुछ सीख जाते हैं। सबसे अच्छा अध्यापक अपने सबसे अच्छे छात्र होकर बनते हैं। अगर किसी देश का भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है
कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। जय हिंद जय भारत। रहबर भी है हमदम भी है गमखोर हमारे, रहबर भी है हमदम भी है गमखोर हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अ वेरी वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Respect for teachers. A teacher or in some context an educator is a person who helps others to acquire knowledge, competence and values. A teacher is called the backbone of the society. I have a lot to explain about teacher, but time and venue did not permit me. So I would like come on today's topic, which is respect for teacher. Before commenting anything on my topic, I would like to pay my respect my school teachers, to the organizer for their broad vision, to all teachers today, and I would also like to pay my school teachers who gave me an opportunity as well as guide me to speak in front of you. Dear brothers and sisters, we must respect our teachers. Teachers play a vital role in our lives. After our parents, it's our teachers who shape our lives by educating us and inculcating good moral values in us. Jinke kirdaar se aati ho sadaqat ki mehak, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, मुझे मुअल्लिम की हैसियत से मबूस किया गया है। टीचर्स आर एजेंट्स ऑफ चेंज, दे काउंसिल देयर स्टूडेंट एंड हेल्प देम टू चूज देयर करियर दैट बेस्ट सूट देयर इंटरेस्ट। ए गुड टीचर कैन कन्वर्ट अ डल स्टूडेंट इनटू अ ब्रिलियंट वन। But nowadays, students fail to understand the importance of teachers. Teachers are like parents. We must be give the same respect as we give to our parents. Instead, students give them all kinds of names to humiliate them. Teachers are not given the same respect that they deserve in our society. Students must understand that if a teacher punish them, it's for their own personal growth, not the teacher's growth. Stop treating your teachers as your enemies. You must learn to respect your teacher and make them feeling proud. Dear friend, I would like to share some ways to show respect to my school teachers. You are taught in the classroom, don't talk with your classmate in between the lectures. Be punctual to attend the lectures. Don't talk behind the back of your teachers. Follow the instructions carefully, attentively. Help your teachers when asked or needed. Cooperate with your teachers. Accept challenges willingly. कुछ उस्ताद हमारे मोती है और है वो जाम, उस्ताद हमारे मोती है और है वो जाम, जिसने भी पिया है हुआ नहीं कभी नाकाम। At the end, I would narrate an event of Sir Muhammad Iqbal in Urdu, Allama Iqbal. जब उन्हें ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार की तरफ से सर का खिताब मिला तो उन्होंने वो खिताब लेने से इनकार किया कि जब तक न ये खिताब मेरे उस्ताद को दिया जाए तब तक मैं लेने के लिए तैयार नहीं। फिर मीर हसन जो उनके मशहूर उस्ताद थे, उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने कहा था कि इन्हें किस एतबार से एजाज अता करेंगे, इनका कोई ऐसा इल्मी कारनामा नहीं है, इन्होंने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी है जिसके एतराब में हम इन्हें कोई एजाज दे सकते हैं। आलम इकबाल ने जवाब में फरमाया था कि इकबाल इनकी लिखी हुई किताब है, आपके सामने एक जिंदा किताब है। गोया उन्होंने इकबाल को तैयार किया था। और फिर वक्तन ऐसा हुआ, उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। इकबाल ने एक उस्ताद की कद्र, एक उस्ताद की आज़मत पूरी दुनिया के सामने नुमाया की, मगर आज अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम नहीं समझ पाते हैं एक उस्ताद की कद्र क्या है। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ एफियत साहिल। आपके सामने कुछ बातें रखी थी, मेरे जहन में एक बात आई कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, यहाँ एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए। सेंटर की जगह है मलवना, करीबन 8-10 स्कूल यहाँ जमा हुए जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, लेकिन खास बात इस पे है कि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं।
अफसोस का मकाम है कि इसी जगह से हमारे एमएलए साहब भी, अगर मेरी आवाज जोन तक पहुंचे कम से कम इस स्कूल की तरफ एक नजर करें। वो कहते हैं कि ये जामा अभी बार बार नहीं, वो जामा अभी बार बार नहीं है, अभी तुमने इसको संवारा नहीं। मैं उठ के गिरता हूं अपनी जगह पे, क्या मेरे पीछे कोई सहारा नहीं। काफी उम्मीदें थी, काफी उम्मीदें थी, लेकिन करीब 2 साल के बाद मैं मलवना आया। मैंने मलवना को उसी कंडीशन में पाया। मैं मीडिया के थ्रू हूं जनाब एमएलए साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। कम से कम दूसरी बात, जब यहां प्रोग्राम हो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि वो हमारी शान है। यही मेरे जहन में बात थी, ये जो बात आपसे करनी थी। तो वक्त काफी हो चुका है, उम्मीद तो थी लगभग 2 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाए, क्योंकि काफी दूर दूर से यहाँ मेहमान आए हैं, हर एक ने अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो यही गुजारिश है मेरी एमएलए साहब से, वो हमारे दरमियान में नहीं है। इंशाल्लाह जब दूसरा प्रोग्राम होगा, ग्राउंड अच्छा होगा और वो हमारे बीच में हाजिर होंगे। वो आज जाके लेकर शायद उन्हें बुलाया नहीं गया है, मैसेज नहीं दिया है, क्योंकि लोकल है, वो इसी जगह के हैं। यहाँ अच्छा ग्राउंड होना चाहिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। यहाँ पर पधारे सभी पद अधिकारी, अध्यापक, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से प्रणाम तथा इस शुभ अवसर पर सबको दिल की गहराइयों से बधाई। आज के इस डिबेट के लिए जिन भी टीचर्स ने बच्चों को प्रिपेयर किया है, उनको दिल की गहराइयों से मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। समय की कमी है, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इन फ्यूचर भी हम ये आशा रखेंगे कि ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिले जो हमारे यहाँ फार फ्लॉन्ग एरियाज के बच्चों को इनकरेज करें। और यहाँ अफसोस ये रहता है कि बच्चों के साथ साथ में, जैसे भैया ने पहले भी बताया हुआ था कि पेरेंट्स भी होने चाहिए थे, एक सबक मिलता है आगे फ्यूचर में अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उनको आना चाहिए था लेकिन वो देखने को नहीं मिले। और करीब यहाँ 3 सालों से मैं यहाँ पे हूँ और 3 सालों से यहाँ 15 अगस्त भी मनाया जा रहा है और आज तो ये शुरुआत हुई। ये बहुत ही शुभ दिन है हम सब के लिए जो हम सब यहाँ पे हैं इस छोटी सी वैली में, इस सुंदर वैली ही हम कहेंगे, और यहाँ ये सारे इवेंट्स हमें देखने को मिले, ये हमारे लिए बहुत ही मुबारक की बात है। और इन सब का श्रेय जो है अपने मंजूर भैया जी को जाता है और अपने हेडमास्टर जी को जाता है और जो भी अपने यहाँ टीचर्स हैं, सब ने बड़ी अच्छी तरीके से अपने अपने बच्चों को प्रिपेयर किया हुआ है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर अंदाज में सब ने अपनी ओर से बड़े अच्छे से बताया हुआ है। शायद हम सब की समझ में ये आया होगा। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि समय की शॉर्टेज है। आगे भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे पेंटिंग है, पीस है, डांसिंग कंपटीशन है, ऐसे ऐसे कंपटीशन और भी होते हैं। हमारी मैम हैं बनचला से और जो यहाँ मतलब हम क्या कहेंगे कि छुपे रुस्तम की तरह हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। इस बार 15 अगस्त में भी मैंने उनको देखा था, उनका जो ललक है उनके अंदर काम करवाने की, जैसे अभी भैया जी ने बताया हर हस्बैंड के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये सच है। और बार बार मैं उस बहन के लिए भी जोरदार ताजा चाहूँगी, इन भाइयों के लिए भी, टीचर साहब जो भी अपने यहाँ कृपा करके जितना जोर है लगा के ताजा बजाए। जय हिंद, जय भारत। अली मोहम्मद साहब, हमारे बुजुर्ग आसिम साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात,
अजीज तुलबा व तालिबान, मुझे बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको अल्फाजों में आपको आपके सामने रखूं कि जिन लोगों ने भी, जिन टीचर साहिबान ने ये इस प्रोग्राम की कोशिश की, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस इलाके में सबसे बड़ा स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदना है, और जहाँ तक मेरी इल्मियत का ताल्लुक है, अभी तक ऐसा प्रोग्राम वहाँ पर भी कभी मुनक्कद नहीं किया गया है। तो ये आप, मैं समझता हूँ आपने बहुत बड़ा काम किया है इस इतने दूर इलाके में। आजकल आँख भर के देखते हैं, सुना है कि लोग उसे आजकल आँख भर के देखते हैं, सो हम भी कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। सुना है कि जिनको सितारे भावि फलक से उतर के देखते हैं, सुना है कि जिनको सितारे उसे भावि फलक से उतर के देखते हैं, सुना है जब वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर साहब आइए स्टेज पे, जरा आपसे बात करके देखते हैं आज के चीफ गेस्ट कंपटीशन जोन गुंदना के चीफ गेस्ट डॉक्टर अली मोहम्मद साहब कलस्टर हेड गुंदना, जोरदार ताली एक बार फिर से। يا ايها الناس ان جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم। उठो उठो सुन लो बांगे जर्स, कोई जगा रहा है निशानी मंजिल दिखा दिखा कर। मुआज़िज़ मेरे हम मनसब शबीर अहमद भट्ट साहब, आसिम साहब, जेआरएफ टीम जो डोडा से आए हुए मेरे साथी, टीचर एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हेडमास्टर साहिबान, क्लस्टर के दीगर असातिज़ा साहिबान, अजीज तुलबा व तालिबात और दीगर मुआज़्ज़िज़ सामईन किराम, उठो उठो सुन लो बांगे जर्स कि कोई जगा रहा है निशानी मंजिल दिखा दिखा कर। एक दो जख्म नहीं सारा बदन चिलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठूं। अगर इस वक्त देखा जाए इस तरक्की के दौर में, जहां दुनिया तरक्की की दौड़ में है, तो इसमें देखा जाए तो ये प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन इस दौर का तकाजा अगर देखा जाए तो इस दौर के तकाजे के लिए ये ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी मैं इस क्लस्टर के असातिज़ा को, यहाँ बहुत ज्यादा कमियां हैं, कहीं ऐसे स्कूल हैं, मैं पुनियाला से लेकर धनौड़ी और यहाँ पुनखर तक जहाँ तक हमारी हद है, तो दो साल तक मैंने बड़े तनदेही से कोशिश की थी, लेकिन मैं भी नाकाम रहा। तो उस नाकामी की भी वजह मैं आपको बताऊंगा, तो कोशिश करूंगा मैं आपको वह निशानदेही कराना। ठीक है, कुछ चंद असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की, चंद बच्चों को वो ले आए यहाँ, तो उनके लिए मैं बड़ी उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ अगर हमारे इस इलाके के लोग भी होते तो हमें वो सारा सच कह जाता, जो सच शायद आपको कड़वा लगता वो मैं कह जाता, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन आज मैं क्लस्टर हेड नहीं हूँ, मैंने अभी साइन की क्लस्टर हेड इंचार्ज की, मैंने यहाँ प्रिंसिपल साहब को लाना था, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं जैसे हमारे शबीर साहब हैं इसी तरह एक लेक्चरर हूँ। लेकिन इतनी बात है कि यहाँ जितने लेक्चरर काम कर रहे हैं उनमें से सीनियर हूँ, इसलिए मैं इंचार्ज प्रिंसिपल मुझे कहा जाए। अगर शबीर साहब भी मेरी जगह होते तो यही इंचार्ज प्रिंसिपल होते।
तो इनकी बात से मैं बड़ा मुतफिक हुआ जो इन्होंने कहा, मैं अकेला ही चला था राह रवा की तरफ सोए मंजिल, राह रवा मिलते गए कारवा बनता गया। शायद इनको याद होगा, शबीर साहब को अच्छी तरह याद होगा, इन्होंने 2015 में मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ी चीजें इन्होंने बताई जिस पर मैं मुसम्मम इरादे से उस पर डटा रहा। बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी होंगी, कई लोग कहते थे कि ये कौन आया हुआ है, कहां से आया है, जो यहाँ इख्तलाफ भी हुआ। शायद इनको भी याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा, साथ इकराम की जमात को याद होगा कि यहाँ कुछ एग्जामिनर आए थे, उनके साथ साथ भी मेरा इख्तलाफ हो गया। लेकिन उस चीफ गेस्ट है जो आज के मेहमान है, खुशी से जोनल लेवल डिबेट कम्पिटिशन जोन बुना के डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, इनको आसिम साहब फरीदी इस ट्रॉफी से नवाजेंगे। चीफ गेस्ट का ट्रॉफी हमें दी जा रही है आसिम साहब फरीदी द्वारा, और जोरदार तालियां इनके लिए। ये है आसिम साहब फरीदी जो मोमेंटो पेश कर रहे हैं चीफ गेस्ट का, आज के चीफ गेस्ट को शुक्रिया। इसके बाद अब बारी आती है गेस्ट ऑफ ऑनर, तो गेस्ट ऑफ ऑनर का मोमेंटो नवाज साहब यहाँ ले जाइए। गेस्ट ऑफ ऑनर जो है आज के वो है शबीर साहब, इन्हें देंगे आज के हमारे डॉक्टर अली मोहम्मद साहब जो चीफ गेस्ट है, वो प्रेजेंट करेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर शबीर साहब को। जोरदार तालियां, बहुत ही कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो इनका हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो माफ कीजिएगा, एक मेहमान हमारी और है, वो ज्वाइन करें शुभुल्ला मैम इस पार्टी को। जोरदार तालियां शुभुल्ला मैम के लिए। अब हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट है वो शबीर साहब देंगे शोकत साहब को स्पेशल गेस्ट। ये मैं शुक्रिया मैम के लिए दे रहे हैं स्पेशल गेस्ट है शुक्रिया मैम। तो अब शबीर साहब करें जनरल प्रेसिडेंट जोर बोलना शबीर साहब, तुमको ये स्पेशल गेस्ट का अवार्ड अवार्ड से नवाज रहे हैं। तो हमारे पास मेहमान बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो मोमेंटो है वो हमें कम पड़ गए। तो और एक हमारे पास प्राइज है, ये नजीर साहब के लिए स्पेशल गेस्ट जो डॉक्टर अली मोहम्मद साहब पेश करेंगे, स्पेशल गेस्ट नजीर साहब लेके जाए स्पेशल गेस्ट का मोमेंटो, जो आज के जूरी मेंबर भी रहे हैं नजीर साहब। तो इसके बाद और एक मोमेंटो बचता है, जे आर फिल्म पीरियड से एंड एविडेंस डोना पूरी टीम हम चाहते हैं कि वो यहाँ सामने आ जाए, पूरी टीम जे आर फिल्म एविडेंस डोना। जोरदार तालियां इनके लिए, संगीत जादूगर और उनके साथ राही अर्चना मैम, ये है वो कलाकार आर्टिस्ट, और इन्हें मैं जो आज के चीफ गेस्ट है हमारे उनसे मैं दावत करता हूँ जो उनके लिए मोमेंटो है, ये जे आर फिल्म डोना को प्रेजेंट करें। जे आर फिल्म डोना पूरी टीम से ले लें और खुद फोटोग्राफ हो जाए। जे आर फिल्म डोना के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और इनका शुक्रिया इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज करने में। आप ये प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं अपने यूट्यूब पर, जे आर फिल्म डोना आपने खोलना है, उसे सब्सक्राइब करना है और आपको ये मिलेगा। तो ये है और एक हमारे पास मोमेंटो है वो टाइम